टॉप न्यूज आपके लिए लाता है सच्ची, साफ और निष्पक्ष खबरें। हम इस कार्य को हमेशा करते रहें, इसके लिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज हमें सहयोग करें, हमारी खबरों के विषय में हमें अपनी अमूल्य राय जरूर दें। अगर आप टॉप न्यूज को मोबाइल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तुरंत। कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे ना छूट पाए। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो पीसी में मौजूद सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन दें। अगर आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सच हर कीमत पर। टॉप न्यूज से पत्रकार जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8445122112 पर संपर्क करें। हम देंगे एक प्लेटफॉर्म आपको नेशनल लेवल पर आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका। प्रतापगढ़ में शिक्षा मित्रों का आंदोलन जारी। भगवा रंग के कपड़ों में सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष श्रीना सिंह की अगुवाई में अम्बेडकर चौराहे पर किया गया प्रदर्शन। उसके बाद SBSS को गुलाब का फूल भेंट किया गया। बोले शिक्षा मित्र, नौकरी बहाल होने तक जारी रहेगा आंदोलन। जिला कचेरी में आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीना सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हमें जो त्याग व्यवस्था की है उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारे शिक्षा मित्र एक शिक्षक की भांति कार्य किए हैं। यहाँ भी जिस मिशन में हमारे शिक्षा मित्रों का खड़ा किया गया है, हम पूरी निष्ठा व लगन के साथ खड़े उतरे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार की हट धर्मिता तक आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा, अपर सचिव से अब तक कोई भी वार्ता नहीं करेंगे और ना ही उनके आगे झुकेंगे। रीना सिंह ने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री से भी हमारा संगठन वार्ता करेगा और समान कार्य व समान वेतन के सिवाय कुछ भी मंजूर नहीं है हमको। अपर सचिव ने देख लिया है कि प्रदेश का शिक्षा मित्रों का सारा संगठन एक है। इस स्थिति को देखते हुए अपर सचिव को अब एहसास हो चुका है कि संगठन किसी भी दशा में नहीं झुकेगा और अपना हक लेकर ही रहेगा। उन्होंने कहा, संगठन को अपने मान सम्मान का पूरा ख्याल है, इसमें कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। प्रतापगढ़ से टॉप न्यूज संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट।